आज की ये वीडियो है ड्रामिनोड का क्लीनिंग ब्लेड चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसका चार्जर निकालना है। चार्जर निकालने के बाद आपने ड्राम को खोलना है। ड्राम के खोलने के लिए इसके लॉक होते हैं, इसको आपने ऊपर की तरफ प्रेस करना है और ड्राम को जो है वो आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपको सामने जो है वो ड्राम का क्लीनिंग ब्लेड नज़र आएगा। इसको आपने खोलना है गोटी के साथ, जो कि होती है 5.5 के mm। गोटी के साथ आपने दोनों पेच क्लीनिंग ब्लेड के खोल लेने। खोलने के बाद आपने ब्लेड को इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इस तरह न्यू ब्लेड जो है वो आपने रखना है। न्यू ब्लेड रखने के बाद आपने इसके ऊपर इसके पेच लगा देने हैं। ब्लेड को चेंज करने के लिए आपके पास गोटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि गोटी वाले पेच यहाँ पे लगे होते हैं और गोटी के बगैर जो पेच ये खुलेंगे नहीं। तो ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी, 5.5 mm की गोटी होती है ये। इस तरह से आपने इसके दोनों पेच लगाने हैं। इसके बाद इसका आपने ड्रम लगाना है और फिर इसके ये दोनों लॉक वाइट कलर वाले। इस तरह से घुमा के आप एक दफ़ा इसे चेक कर सकते हैं कि ब्लेड सही लगा है या नहीं। इसके बाद इसका चार्जर, इसके बाद इसकी ये कवर आ जाएगा। कवर लगाने के बाद आप इसके ऊपर पेच लगा सकते हैं। पेच लगाने के बाद फिटिंग कर दें तो ये आपका क्लीनिंग ब्लेड जो है वो चेंज हो गया।